हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, वीकली बेसिस की प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ, यानी कि पूरे वीक की एनर्जीज़ को चेक करने वाले हैं। आज की रीडिंग में आपके रिलेशनशिप के लिए एंड आपके करियर के लिए क्या कुछ एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस वीक में चेक करेंगे। जनरल बेसिस की रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल बेसिस पर देखिएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता दी। एंड गाइस, हर रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें। जितना पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपकी जो आपकी एनर्जी है उसे कार्ड में ले पाऊंगी। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप से। सबसे पहले कि आपके रिलेशनशिप को लेकर ये वीक कैसा रहने वाला है। सो स्टार्ट कर लेते हैं आपके रिलेशन को लेकर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं इस टाइम पर टैरो कार्ड से। ओके, सो एट ऑफ सूट्स। सो एट ऑफ सूट्स गाइस, यहाँ पर अपने रिलेशन को लेकर इस टाइम पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने रिलेशन में, या फिर टेंशन कर रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, चाहते बहुत कुछ हैं आप, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आप एक सिचुएशन पर आकर जो है स्टक हो गए हो। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन पर आपके आपका जो रिलेशन है वो बीच में ही जो है रुक गया है, स्टक हो गया है। जो कुछ आपने सोचा था, जो कुछ आप चाहते थे अपने रिलेशन में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और अपने आप को कहीं ना कहीं आप एट ऑफ सूट्स की एनर्जीज में देख पा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने रिलेशन में अपने पर्सन की तरफ से। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पर मुझे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हो वीक की स्टार्टिंग में गाइस। सो ये एनर्जीज आपकी वीक की स्टार्टिंग में, आगे की एनर्जीज एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सो मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि आप वीक के स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आप में से कई लोगों की ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने या तो आप कोई ट्रैवलिंग की एनर्जीज हो सकते हैं कि आप इस वीक में कहीं ट्रैवल कर सकते हो। साथ में मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कोई पर्सन जैसे आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज है मेरे पास में जो मुझे बता रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं गाइस, क्योंकि मेरे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज है जो मुझे बता रही है कि कोई ना कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में अपने पेंटिकल को लेकर, यानी कि किसी कोई मुझे आप लग रहा है कोई कमिटमेंट लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर पास्ट में कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ में आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, या फिर आपके रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई ऐसे पर्सन मुझे इस वीक में आपके रिलेशन में आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास जो है कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसे ही मिल रही है कि इस वीक में आप अपने रिलेशन को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हो, यानी कि वीक के मिड का जो टाइम है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दे रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज आएगी कि आप आगे बढ़कर अपने रिलेशन को लेकर जो है कोई डिसीजन ले। सो आपके पर्सन की एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से यानी कि स्टार्टिंग मेरे पास में आई है जो मुझे बता रही है कि किसी बात को लेकर ये पर्सन आपके जो भी पर्सन है गाइस, आपके जो भी पार्टनर है उनकी एनर्जीज है ये फुल वीक की, कि ये पर्सन बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी बर्डन को महसूस कर रहे हैं, किसी फंसाव को महसूस कर रहे हैं। यानी कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है कि पर्सन जो है टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दो दो पेंटिकल्स को जो है एक साथ में बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और किसी थर्ड पर्सन के बीच में भी हो सकता है बैलेंस, या फिर आपके और इनके करियर के बीच में हो सकता है कि हो सकता है आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पर, या फिर किसी भी टाइम पर पर्सन ने अपने करियर को दी, किसी फ्रेंड को दी, फैमिली को दी, या फिर किसी भी अदर पर्सन को दी, बट इस वीक में कहीं ना कहीं इन पर्सन को बहुत कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में। कोई प्रॉब्लम्स जो है मुझे इन पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर नज़र आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भी एनर्जीज है कि पर्सन आपको किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस बात पर कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अगर अपने करियर की तरफ ध्यान दिया है या फिर किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि उस इनकी उस वजह से जो है इनका रिलेशन जो है आज डिस्टर्ब हो गया। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से इस वीक में आपके जो पर्सन है वो मुझे इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में सोच सोच कर ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे जो प्रोमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन पर्सन ने पूरी नहीं की। साथ में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग
रहा है कि उन्होंने मिड से जो है आपका साथ छोड़ा है, या फिर आपको जो है बीच में अकेला छोड़ दिया है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जिसको सोच सोच कर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो दिल और दिमाग है पूरी तरीके से उसमें मुझे लग रहा है आपकी तरफ उस वीक में लगा रहने वाला है। साथ में अकेलापन को भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वीक में महसूस कर रहे हैं। 10 of Swords की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, इनकी किसी डीप पेन में नज़र आ रहे हैं। जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, इस वीक में बहुत 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 ज़्यादा जो है आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, आपसे अपनी बात कह सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट करना तो चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ये पर्सन शर्मिंदगी में है, या फिर किसी बात को लेकर कुछ सोच रहे हैं पर्सन। आपको कांटेक्ट तो करना चाहते हैं इस वीक में, बट बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ इन पर्सन के मन में चल रहा है, बट आखिर वो क्या चीज़ है जितना जो इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर इस वीक में सोच रहे हैं। यानी कि पूरा वीक मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं बिता रहे हैं, पूरा वीक कहीं ना कहीं आपके लेकर कुछ सोच रहे हैं। तो किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वीक में, ये एनर्जी को मैं चेक कर लेती हूँ गाइस। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना कीजिए। ओके, सो टोटलिटी की एनर्जीज मेरे पास में क्रिएटिविटी। ओके, सो इस वीक में हो सकता है बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है आपकी या तो कोई फ़ोटो को देख रहे हैं, कोई फ़ोटोज़ को देखेंगे, या फिर आपसे जुड़ी कोई मेमोरी को जो है ये पर्सन देखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका आपने और इन पर्सन ने साथ में कोई जो है टाइम स्पेंड किया है उसकी कोई पिक है वो चीज़ जो है देख रहे हैं, या फिर आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट है उसको देख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बार बार इस वीक में कुछ इनके साथ में ऐसा होगा जिससे बार बार इन्हें आपकी याद आएगी, यानी कि आपका आपका नेम इनके सामने बार बार पढ़ना, या फिर आपकी जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी बर्थ डेट बार बार इनके सामने पढ़ना, जिससे कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ हो कि एंजल्स जो हैं इनको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहे हैं, इनका राइट पाथ इनकी लाइफ में। सो ट्रस्ट की एनर्जीज है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ गाइस, तो ये वीक आपके पर्सन के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खूबसूरत रहने वाली है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन की निकल कर आ रही है इस वीक में, जो मुझे बता रही है कि आप में से कई लोगों के पर्सन अगर आपसे मूव ऑन हो गए हैं तो वीक में आपको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से इस वीक में वो चीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। इनकी वीक कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके रिलेशन को लेकर। सो गाइज, आपके करियर के लिए एनर्जीज को चेक कर लेते कि आखिर आपके करियर को लेकर ये जो वीक है वो कैसे रहने वाला है। सो करियर को देकर क्या एनर्जीज रहने वाली है चेक कर लेती हूँ मैं। सो गाइज, ऑल साइन रीडिंग है या किसी भी साइन के हैं आप देख सकते हैं, अगर आपके साथ में जो एनर्जीज हैं वो रेजोनेट कर रही है कि आखिर आपके करियर को लेकर ये वीक व्हाट दिस वीक इज ब्रिंगिंग टू यू फॉर योर करियर। सो करियर को लेकर एनर्जी चेक करेंगे गाइज। कॉम्प्रोमाइज़, ओके, सो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़। कहीं ना कहीं आप में से कई लोग अपने करियर में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई आपकी कोई मुझे डिज़ायर यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ अपने करियर से बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं। आप में से कई लोग मुझे ऐसा लग रहा है अपने बिजनेस से या फिर अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो इस वीक में बहुत ज़्यादा अपने चाहते हैं अपने करियर से। सो कंट्रोल की भी एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अपनी किस जो चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके करियर में या फिर आपके जॉब में कोई ना कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में सिचुएशन अगर कोई डिस्टर्ब सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो वो मुझे कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। सो कोई भी सिचुएशन हो सकती है या फिर किसी बात को लेकर अगर आप टेंशन कर रहे हो तो इस वीक में सिचुएशन मुझे कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही है। साथ में रीबर्थ की एनर्जीज है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इस वीक में जो है आपके लिए इंतज़ार कर रही है जो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो है न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, आपके करियर से आ सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, हार्डवर्क करा है, कोई न्यू विजन की एनर्जीज आ रही है। यानी कि मुझे बार बार न्यू की एनर्जीज मिल रही है, यानी कि कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत इस वीक आप कर सकते हो। अगर आप इस वीक में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो अपने बिजनेस
बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या फिर कोई एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, आप मतलब कुछ भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बेसिकली अपने करियर को लेकर, तो ये वीक बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, एक गुड रिजल्ट देकर जाएगा आपको। अगर इस वीक में आप कोई भी चीज़ जो है अपने स्टार्ट करेंगे, ओके, सो सेलिब्रेशन की एनर्जीज अगेन आपके करियर के लिए, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, क्रिएटिविटी की एनर्जीज है, एंड बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जीज है, जो मुझे बता रही है कि अपने करियर में आप जो भी स्टैम्प पर कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, और इस वीक में अगर आप कोई न्यू स्टार्ट करते हैं, कोई बिगिनिंग करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी भी है, यानी कि पूरी तरीके से अगर आप जो है अपने मन से डेडिकेशन से कोई जो है काम कर रहे हैं इस वीक में, कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपने सोचा भी नहीं होगा इससे भी ज़्यादा अच्छा कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है आपको निकल कर मिलने वाला है इस वीक में, कहीं ना कहीं वीक आपका इंतजार कर रहा है। सो गाइस, आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टू द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।